नमस्कार। तो जो कुछ मैंने रखा है कचड़ा पट्टी संभाल के, तो देखते हैं। ये है एप्पल जूस का पाउच जो बच्चे बहुत पीते हैं, ये है ऑरेंज जूस, कैसे ढेर सारे पाउच हो जाते हैं। तो ये सारे कचड़ा पट्टी को संभाल के रखना है, इसका दोबारा यूज कैसे होता है ये हम आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो ये ले लिया मैंने एक हेम गंगे तेल का डिब्बा। तो इधर मैंने मोजा भी संभाल कर रखा था, क्योंकि मोजा भी बहुत महंगे ये फट चुका था, तो ये आज मेरे काम में आ ही गया। तो इसको मैंने नीचे से कट कर लिया और ऊपर से भी मैं इस डब्बे का नाप कर लेंगे और उतना हम काट लें, थोड़ा बड़ा काटेंगे क्योंकि हमें आगे भी सिलना है और दोनों तरफ हमें सिलना है। तो इस तरीके से हम इसे उल्टा कर लेंगे और इसका जो कढ़ाई है बिनाई उसको हमें आगे रखना है, तो इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद हम उठाएंगे सुई धागा, तो ये मैंने ले ली है सुई धागा। अब इसको हम जुट जाएंगे सिलाई करने में, तो अब इसको मैं अच्छे से सिल लेंगे। इसको हम दोबारा दो बार हम इसे सिलाई करेंगे, इसको थोड़ा मजबूत करना है, तो इसलिए मैंने सिल दिया। तो मैंने दोबारा भी इसमें सिलाई कर दी। तो चलते हैं, अब इसको मैंने सिल लिया और इसे मैंने सीधा कर लिया। सीधे करके इस डब्बे को हम पहनाएंगे। इस डब्बे को मैंने इस तरीके से पहना के देखा तो पूरा कवर हो गया और अंदर की तरफ से भी एक अंगूर मुड़ गया। तो अंदर की तरफ से इस तरीके से हम मोड़ लेंगे और इसको इस तरीके से हम चारों तरफ सिल लेंगे। तो इस तरीके से हम अच्छे से चारों तरफ सिलाई मार लेंगे और ये मैंने चारों तरफ से सिलाई मार ली। इधर जो एड़ी के तरफ का कुछ बचा था तो इसको मैं इस तरीके से बना ली थी। मेरा बन के एक तरीके से डब्बा पूरा कवर हो चुका है और इधर हम बनाएंगे कुछ एक हॉल। तो ये मैंने एक हॉल बनाया गया, इसमें मैंने इसको कवर कर दिया। तो मेरा एक ये ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो गया। तो प्लीज़ कैसा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मेरे ये किचन का सारा सामान इसमें मैं हैंग कर सकती हूँ, तो मैंने ये सारा सामान इसमें रख दिया है। तो आप इस खाली डब्बे को कभी मत फेंकना, अपने किचन में या कहीं भी बाथरूम में कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं, कुछ मैंने ये पौध लिए थे, इन पौधों को मैंने गर्म पानी से अच्छे करके थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी लिया और उसके अंदर भर के इसको दो से तीन बार मैंने धुल के इन पौधों को अंदर से रख लिया था। आज ही मेरे काम में आगे तो चलते हैं। सबसे पहले इन पौधों को हम इस तरीके से खोल के रख देंगे, खोल के रखा और ये पानी मैंने इस तरीके से निकाल दिया था। चलते अब मैंने ले लिया है ये, इधर मेरी सुबह मैंने बनाया था फिंगर सॉस, वही वही सॉस बन गया। आप कोई भी चटनी हो, आपको कुछ दिन के लिए रखना हो तो आप इस तरीके से बना करके इस सॉस में रख सकते हैं। तो मैंने ये सॉस इसमें आराम से पतला पतला करके हम इसमें धार बना के भर लेंगे। तो ये मैंने पूरा इसमें भर दिया, जितना इसमें आया उतना मैंने इसमें भर दिया। अब इसको मैंने पॉज करके भर दिया। अब इसको हम अच्छे से पोंछ लेंगे, पोंछ करके इसको हम फ्रिज में रख सकते हैं। आप इधर भी फ्रिज हो तो आप फ्रिज में रख सकते हैं। इसमें कोई भी चटनी, आपको कहीं जाना है तो इसको लेके जा सकते हैं। तो चलते हैं कि मेरी टिप्स कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलते हैं अब हम तीसरी टिप्स की तरफ। तो ये मैंने ले ली है एक ऑरेंज वाला जूस का होता है, इसको मैंने ले लिया। चलते हैं अब इधर मैंने ले लिया है एक गिलास। गिलास में मैंने कुछ डाला है, देख रहा है थोड़ा थोड़ा पीला पीला, ये है कलर। आप सोचते हैं कि ये क्या है, तो ये है कलर खाने वाला, बूंदी वाला कलर। इधर मैंने ले ली चीनी और ये ले लिया मैंने पानी। इस चीनी को हमें गायब करना है, मतलब मिक्स करना है, तो इसको हमें बनाना है क्या, तो आप समझिए गए हो, ये उसे बनाना है मुझे शरबत। तो इस तरीके से हम बना लेंगे शरबत, क्योंकि हमें बच्चों को बनाना है। तो इस तरीके से हम बच्चों को मना सकते हैं। तो ये मैंने पौज में इसको हम भर लेंगे, आराम से भर जाता है, इधर उधर थोड़ा बहुत फैलेगा। तो इसको हम दोबारा से इसको हम साफ करके कर लेंगे। तो ये मेरा इसमें भर गया। अब बच्चे के बार बार मांगते हैं, एक बार अगर खा लेते हैं तो वो बार बार मांगते हैं, तो क्या करें, बच्चों को भी खुश लाना है और पैसे भी बार बार खर्च कैसे करें। तो
पैसे भी नहीं खर्च होंगे और बच्चे भी आराम से खुश होंगे। जी दोनों आप फ्रिज में रख दें, जब बच्चे मांगे आपको कोई भी जूस हो या बनाना या कोई काम भी हो, मैंगो जूस ऑरेंज जूस आप बना के इसमें रख के आप फ्रिज में रख सकते हैं, जब आपके बच्चे मांगे तब आप दे सकते हैं ना। कमाल की टिप्स। तो मेरी ये तीनों टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ये मुझे और ये खाली डब्बे कितने काम में आए, तो ये फेंकना मत प्लीज, इसको दोबारा यूज कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।